आ गया मजेदार मंडे। हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए हैं। मैं जो कभी दिखाई नहीं देता और आपका दोस्त मंडे द मॉन्स्टर। गुड मॉर्निंग मंडे। आज मंडे को बहुत से काम करने हैं। देखिए पहला काम क्या है, अपना रूम साफ करना। बाबा यहाँ तो बहुत सी चीजें बिखरी पड़ी हैं। मंडे है एक अच्छा बच्चा, साफ रखता है ये कमरा। तुम भी कमरा करो साफ, करो साफ। बच्चों तुम्हें मंडे से कुछ सीखना चाहिए। देखो ये कैसे कचरे को डस्टबिन में डाल रहा है। कभी भी घर या सड़क में कचरा नहीं फेंकना चाहिए। और ये क्या, ये है तुम्हारा फुटबॉल। इसे रखना चाहिए खिलौनों के डिब्बे में। गुड मंडे। ये तो एक बुक है। बच्चों बुक्स को यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए, इसे बुक शेल्फ पर ही रखो। यस, हमने एक अच्छी चीज सीख ली। और ये क्या है, ये तो है मंडे के क्रेयॉन्स। ये जाएंगे बुक शेल्फ की ड्रॉर में, ताकि अगली बार यही मिले। वेरी गुड मंडे, तुमने कर दिया कमरा चकाचक साफ। अरे कौन आया है, जरा देखते हैं। ओ ये तो है मंडे के दोस्त। अंदर आ जाओ। जब दोस्त घर पे आते हैं तो बहुत मजा आता है ना बच्चों? अरे ये क्या, इन्होंने तो सारी चीजें बिखरा दी। हमारे मॉन्स्टर को फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। बाय बाय बच्चों। रेलगाड़ी चुक 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 चुक, रेलगाड़ी चुक 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 चुक। अरे अरे हट जाओ सामने से, रेलगाड़ी आ रही है। बच्चों हमारी रेलगाड़ी कितनी प्यारी है, लेकिन ये जा कहाँ रही है? हेलो सूरज चाचू, आज हम रेलगाड़ी का सफर करेंगे। बच्चों इसमें बैठकर कहाँ जाना है पता है? नानी के घर। ये आ गया हमारा मंडे द मॉन्स्टर, हमारा मस्ती खोर हीरो। आज ये हमें गिनती और फलों के नाम बताएगा। इसमें बहुत मजा आएगा बच्चों, तैयार हो जाओ। कुकू चुक 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 चुक। चलो अब साथ में सीखते हैं। एक जो पीले रंग का है और इसके साथ है लाल रंग का एक सेब। दो, ये है नीले रंग का और इसके साथ है दो चेरीज, ये भी लाल है। ये है तीन, जो बैगनी रंग का है और उसके साथ है तीन नीले रंग की ब्लूबेरीज। अब आ रहा है नंबर चार, ये है हरे रंग का और इसके साथ है चार लाल रंग की स्ट्रॉबेरीज। देखते हैं अगला नंबर क्या है। ये है पाँच, जो लाल रंग का है और इसके साथ है हरे रंग की पाँच नाशपति। अगला नंबर है छः, जो है नीले रंग का और इसके साथ है छः पीले पीले केले। अगला नंबर है सात, ये हरे रंग का है और इसके साथ है चुक 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 सात तरबूज के टुकड़े। हमारा अगला नंबर है आठ, ये है नीले रंग का और इसके साथ है आठ अनानास। अगला नंबर है नौ, ये है गुलाबी रंग का और इसके साथ है नौ नारंगी रंग के संतरे। आखिरी नंबर है दस और इसके साथ है दस अंगूर के गुच्छे। फिर से गिने, दस नौ आठ सात छः पाँच चार तीन दो एक। शाबाश बच्चों, मजा आया ना? अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक बाय बाय। चिक 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 चिक। हेलो दोस्तों, हम वापस आ गए हैं। मैं जो कभी दिखाई नहीं देता और हमारा दोस्त मंडे द मॉन्स्टर। हमारे मॉन्स्टर के दोस्त केन द एलिफेंट को मिला एक नीले रंग का बक्सा और लूक को मिला गुलाबी रंग का बक्सा। अच्छा तो हमारा मॉन्स्टर बना है सैंटा। कितना प्यारा लग रहा है। केंट को गिफ्ट में मिली है ब्रोकली, जो हरे रंग की होती है। देखते हैं लूक को क्या मिला है। लूक को मिला है एक बीटरूट, जो कि लाल रंग का होता है। दोनों ही सब्जियां सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन ये सब्जियों को खाना नहीं चाहते हैं। कोई बात नहीं, मंडे बना है सैंटा और सैंटा तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। हमारे मॉन्स्टर को आया एक कमाल का आइडिया। ओ ओ मंडे कहाँ चला गया? मंडे आ गया है किचन में और अब वो ब्रोकली को डालने वाला है इस मिक्सर के अंदर। ये गई ब्रोकली अंदर और बाहर निकली ब्रोकली आइसक्रीम। अब यही होगा बीटरूट के साथ। बीटरूट गया अंदर और बाहर आई बीटरूट आइसक्रीम। अब उसके दोस्त ये बिल्कुल खाना चाहेंगे। वाओ मंडे क्या आइडिया लगाया है।
ओ, ओ, संभल के। ये दोनों यहाँ उदास बैठे हैं। केंट, लूक, जरा पीछे देखो। ये पे लूक को मिली लाल रंग की आइसक्रीम और केंट छोटे से एलिफेंट को मिली हरे रंग की आइसक्रीम। अरे ये दोनों तो अपनी अपनी आइसक्रीम तेजी से खा रहे हैं। इन्होंने मंडे के साथ शेयर नहीं किया और आइसक्रीम खत्म। ये क्या, मंडे के पास और दो गिफ्ट है जिससे वो और आइसक्रीम बना लेगा। मैरी क्रिसमस। हेलो बच्चों, मैं जो कभी दिखाई नहीं देता और आपका दोस्त मंडे द मॉन्स्टर वापस आ गए हैं। आज देखते हैं मंडे क्या करने वाला है। ये है एक बगीचे में और ये एक पेड़ है। हमारा मॉन्स्टर कूद कर पेड़ से फल तोड़ने की कोशिश कर रहा है, पर कोशिश नाकाम हो जाने पर उसने अपने पैर पटके और ये फल नीचे आ गिरे। ये है एक मैंगो यानी आम, फलों का राजा। अब हमारा मॉन्स्टर अपने पैरों को पटक कर इन फलों को लुढ़का रहा है और ये लुढ़कते हुए जा गिरे इस बोल में। अब हमारा मॉन्स्टर इन फलों के साथ क्या करने वाला है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारे मॉन्स्टर ने बजाई सीटी और आ गई जादू की छड़ी और अब जादूगर की टोपी भी। वाओ मंडे, आबरा का डाबरा गिली गिली छू और फल बन गए एक पीले रंग की आइसक्रीम। हमारा मॉन्स्टर इस आइसक्रीम को खाकर आगे चला दूसरे पेड़ की ओर। इस पेड़ पर भी बहुत सारे फल लगे हुए हैं। ये कूद कर फल तोड़ने की कोशिश कर रहा है और फिर से पुराना तरीका ही आजमा रहा है। फल आ गए पेड़ से नीचे। ये है एक एप्पल यानी सेब। अब जोर से अपने पैर पटको, डुम 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 डुम, और ये फल लुढ़क कर चले गए फिर से एक बार बोल में। मुझे लगता है मैं समझ गया हूँ हमारा मॉन्स्टर क्या कर रहा है। अब ये एक बार फिर से सीटी बजाकर बुलाएगा अपनी जादू की छड़ी और हाँ, साथ ही जादूगर की टोपी भी। बच्चों हमारे साथ बोलना, आबरा का डाबरा गिली गिली छू और सेब बन गए एक लाल रंग की आइसक्रीम। इसे खाने के बाद हमारा मॉन्स्टर चल पड़ा अगले पेड़ की ओर। इस पेड़ पर भी बहुत सारे फल हैं बच्चों, और कूदना काम न आने पर हमारा मॉन्स्टर अपने पैर पटकने लगा और सारे फल एक बार फिर से नीचे आ गए। ये है एक ऑरेंज यानी कि संतरा, और अब एक बार फिर अपने पैर पटक कर मॉन्स्टर फलों को ले जाएगा टोकरी के अंदर। और बच्चों अब तक तो तुम भी समझ गए होगे कि हमारा मॉन्स्टर क्या करने वाला है। अब ये बनने वाला है जादूगर। ये बजी सीटी, आ गई जादू की छड़ी और साथ ही जादूगर की टोपी भी। एक बार फिर से साथ में कहो, आबरा का डाबरा गिली गिली छू। ये बन गई नारंगी रंग की एक आइसक्रीम। बाय बाय बच्चों, फिर मिलेंगे। सब्सक्राइब करना ना भूलें। मजेदार मंडे।